कार पार्किंग नूं लैके अक्सर ही पंजाब दे विच कई थावां ते विवाद हुंदे देखे गए ने, पर एक मामला सामने आया जिथे कार पार्किंग नूं लैके विवाद इस हद तक वध गया कि 7 तों 8 मुंडियां दे नाल एक महिला जाके भिड़ गई अते उस महिला दे वलों नौजवान दे थप्पड़ तक जड़ दिता गया। इस सारी घटना एक इंस्टीट्यूट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरिया दे विच कैद हो गई, जिस विच साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक कार पार्क करन दी कोशिश की जाती है, पर दूसरी साइड एक गड्डी दे विच एक नौजवान निकल के आता है अते उस कार का शीशा खटखटाउंदा है, ते जो कार दे विचों बाहर नौजवान निकलता है तो उस दे नाल बहसबाजी करनी शुरू कर दिंदा है। देखते देखते उत्थे 3-4 मुंडे होर उस गड्डी दे विचों बाहर निकलते ने अते निकलते सार ही उन्हां दी बहस काफ़ी तलखी वाली हो जाती है। ये देख के एक महिला उत्थे आउंदी है, ये महिला कार सवार दी दोस्त दसी जा रही है अते इस तो बाद वो महिला नौजवान नूं कहण दी अते समझाउण दी कोशिश करती है, तो लाल टी शर्ट वाला नौजवान उत्थे आउंदा है जिसके वलों महिला दे नाल बदसलूकी की जाती है। इतों तक कि यह नौजवान खुद नूं DSP का मुंडा दसदा है अते महिला नूं धमकी तक भी दिंदा है कि तैनूं चुक के लै जावांगे, हाले तक तो असी बदमाशी नहीं की, तू हाले साडी बदमाशी नहीं देखी, तू महिला है मैं इस करके चुप बैठा हुआ। तो इन्नी देर नूं यह महिला की वीडियो बनाउण की कोशिश करता है, जिस तों बाद महिला इसनूं रोकदी है, तो रोकदे ही रोकदे गल हथों पाई तक पहुँच जाती है। ये नौजवान महिला का गुट फड़दा है, उसकी बांह फड़दा है, उसनूं चुक के लै जाण की धमकी भी दिंदा है, जिस तों बाद महिला अते उस नौजवान की बहस इन्नी तिखी हो जाती है कि महिला दे वल्लों उसके थप्पड़ भी जड़ दिता जाता है। ये सारी घटना उत्थे इंस्टीट्यूट के बाहर लगे एक CCTV कैमरे दे विच कैद हो गई। घटना पटियाला दे पोलो ग्राउंड दे सामने स्थित कबीर इंस्टीट्यूट की दसी जा रही है। जानकारी दे अनुसार ये महिला अपने कुछ साथियों दे नाल इंस्टीट्यूट दे विच कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम ते आई सी। इन्नी देर नूं ये महिला उपर जाती है, पर इसका साथी जिहड़ा कार दे विच थले सवार हुंदा है वह कार नूं पार्क करन की कोशिश करता है, तो एक नीले रंग की शर्ट वाला मुंडा उत्थे आउंदा है जिस नाल उसकी बहसबाजी हो जाती है अते फिर गड्डी दे विच्चों बारी बारी सिर होर नौजवान निकलते हैं। दस दिए कि महिला इंस्टीट्यूट तो वापिस अपने कुछ डॉक्यूमेंट गड्डी दे विच्चों भुल जाती है, उसनूं लैण वास्ते थले आउंदी है, जदों देखती है कि उसके साथी नौजवानों दे नाल बाकी नौजवान बहसबाजी कर रहे हैं, उस दे नाल बदसलूकी की जा रही है, हथों पाई खोण की कोशिश की जा रही है, तो यह महिला उन्होंने नौजवानों को समझाने की कोशिश करती है। तो इन्नी देर में लाल रंग की शर्ट पहने हुए एक मुंडा उस महिला को धमकी देता है कि वह DSP का मुंडा है, महिला उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, बाद विच महिला उसके थप्पड़ तक जड़ देती है। हालांकि इस महिला की पहचान है जिहड़ी ओ पटियाला दे रहन वाली जसलीन कौर वजो हुई है, जिसने कैमरे के सामने आके ये भी कबूल किया कि हाँ मैं उस मुंडे दे थप्पड़ जड़िया, क्योंकि उस मुंडे ने पहला तो मेरे दोस्त दे नाल बदतमीजी की, फिर जदों मैं उसनू समझाने की कोशिश की तो वह मेरे नाल हथों पाई होया, उसने मैनू कहा कि मैं DSP का मुंडा हाँ, तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो इसनू लैके जिहड़ी महिला है वह उस दे थप्पड़ जड़ दिंदी है। महिला की पहचान जसलीन कौर वजो हुई है, जिहड़ी कि पटियाला की रहन वाली है। महिला का कहना सी कि गाली गलोच इन्हों नौजवानों के वलों की गई अते वीडियो बनाने की कोशिश भी की गई। दस दिए कि महिला के अनुसार लाल टी शर्ट वाले मुंडे ने खुद को DSP का मुंडा दस के महिला नूं चुक के ले जाने की धमकी भी दी, जिस तों बाद महिला के वलों एक कदम चुकया गया। यही नहीं महिला ने प्रशासन नूं गुहार भी लगाई है कि प्रशासन जल्द तो जल्द सख्त कार्रवाई करे ताकि अगे तो कोई होर शख्स अजिहा करन दी हिम्मत ना रखे। हालांकि जो महिला नूं पुछया गया कि वह नौजवान सचमुच किसी DSP का मुंडा सी, तां महिला का कहना सी कि इन्ना मैनू नहीं पता, बस उस लाल रंग की शर्ट पहने हुए मुंडे ने मैनू यही धमकी दी कि मैं हाले तक तैनू बदमाशी दिखाई नहीं है, मैं किन्ना वड्डा बदमाश हाँ तू नहीं जानती, तैनू गड्डी च डिग्गी च पा के ले जावांगे, किसी नूं तेरा पता भी नहीं लगना, तो उसने मेरी बांह फड़ी जिस तों बाद मैं उसके थप्पड़ जड़ दिता। हालांकि दस दिए घटना पटियाला के कबीर इंस्टीट्यूट के बाहर वापरी है,
इस पूरी घटना दे विच किसकी कितनी कु गलती है तां प्रशासन दी जांच तों बाद ही पता चलेगा, पर महिला दे वल्लों नौजवान ते इल्जाम लगाए गए ने। नौजवान धिर दा कोई भी बयान निकल के सामने नहीं आया, पर सीसीटीवी लगातार सोशल मीडिया ते काफी वायरल हो रही है। इस पूरी घटना नूं लैके की कुछ कहना है महिला दा, एक बार ओह वी सुन लैने आ। कारण यह है कि रोज़ाना की तरह मैं अपने इतने इंस्टीट्यूट आई सी, असी सैमीनार अटेंड करके मैं और डॉक्टर कबीर आ रहे सी, तो असी रोज़ाना की तरह अपनी कार पार्क करनी सी और पार्किंग की जगह असी अपना देख रहे सी, तो यही अनपछाती कार साढ़े इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ी सी, वाइट कलर की कार जिदे विच दो नाम लड़के बैठे सीगे, एक का नाम मैनू नहीं पता लेकिन दूसरे का नाम हुण पता लगे कि हरमनजीत सिंह है। तो ये दोनों लड़के बैठे सी और मैं अपनी कार चो उतर के अंदर चली गई। तो जो मैं इंस्टीट्यूट के विच दोबारा मैं कार चो फाइल लैन लई वापस आई तो ये सर दे नाल फाइट कर रहे सी। तो मैं जो इन्हों कहा बड़े प्यार नाल कि भी बेटा की दिक्कत की है, तुसी थोड़ा प्यार नाल गल करो, तो यह बहुत ही वलगर लैंग्वेज यूज़ करके गाली गलोच कर रहे सी और कह रहे सी कि साडा प्यो DSP है, ठीक है। तो जो ये धमकी दे रहे मैं कहा बेटे थोड़ा जा सलीके नाल गल करो, पेरेंट्स ने भी तुहानू बिल्कुल वो नहीं दस्या हैगा, तुसी थोड़ा जा सलीके नाल गल करो। तो उन्हें मैंने कहा कहिंदा किड्डे, मैं कहा बच्चे हो बच्चों की तरह रहो, मैं यही गल कही। तो उन्हें मैंने अगों कहा कहिंदा किड्डे क बच्चे आ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਮਨ ਹੈ, ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪਾਂ 3 ਲੜਕੇ ਸੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਲੰਬੇ ਲੌਂਗ ਹੇਅਰਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ 3 ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਲ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨਰਲੈਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਗੁੰਡਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਸਲੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਯੈਸ ਮੈਂ ਸਲੈਪ ਕੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੋਰੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਟ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੌਂਗ ਹੇਅਰਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਕਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਰ। ਲੌਂਗ ਹੇਅਰਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਕਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਹ ਡੇਲੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ 3 ਲੜਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਬਹਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਵਰਡ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਕਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਇੰਡ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਲੜਕੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੀਨੇਜਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ